अभी शहर में दौरा किया है मैंने, सभी संबंधित अधिकारी नगर निगम एडीए कमिश्नर सभी मेरे साथ ही हैं, एसपी साहब भी साथ थे, और ज्यादातर जगह हमारी टीमों ने सक्सेसफुली जो वाटर लॉगिंग एरियाज हैं उनमें स्थिति को बेहतर किया है। अभी हम आगामी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि और जो अलर्ट है उसके तहत अगर और बारिश होती है तो हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए, और जहां जहां इश्यूज हैं हमारी टीम सब जगह डिप्लॉयड है, मेडिकल की टीम्स भी लगाई जा रही हैं ताकि हम घर घर जो दवाइयां हैं वो भी वितरित कर पाएं। जैसा आप जानते हैं सीजनल डिजीज का भी खतरा बढ़ता है, साथ ही फंगल डिजीज या स्किन इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ता है। जो भी वाटर लॉगिंग एरियाज हैं कल से आज स्थिति वहां बेटर है और कल तक और आपको बेटर दिखेगी। हमारी टीम वहां रसद सामग्री और जो भी आवश्यकता है उसके लिए लगातार लगी है। सर्टेन पॉइंट्स पे हमने और अधिक लोगों को लगाने के लिए मैंने डायरेक्शन दिए, चाहे हमारे सिविल डिफेंस के लोगों, जैसे खानपुरा तालाब है थोड़ा सा वल्नरेबल एरिया है, वहां हमारे सिविल डिफेंस के गोताखोर भी रहेंगे, पुलिस के भी जवान सभी जगह तैनात किए गए। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो भी जलभराव के क्षेत्र हैं वहां नहीं जाएं, और कहीं भी अगर किसी को कोई आवश्यकता है तो हमारे जो कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट का उस पर संपर्क। सर, जलभराव की जो कॉलोनियां उनका क्या खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस तरह से भराव लगातार अभी तक जहां जहां आवश्यकता है वो आवश्यकता असेस करके हम उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी मैंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी जल्दी बुलाई है कलेक्ट्रेट में, और उसमें हम और निर्णय लेंगे और कोशिश करेंगे कि अजमेर के सभी निवासियों को कोई असुविधा नहीं हो।